दोस्तों, जीपीएस सैटेलाइट्स 20,200 किलोमीटर ऊपर 4,000 किलोमीटर प्रति घंटे अर्थ को ऑर्बिट करती हैं। इन सैटेलाइट में भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को सही सिद्ध करने वाली घटना रोज घटती है। जीपीएस सैटेलाइट्स में लगी एटॉमिक क्लॉक्स अर्थ पर मौजूद क्लॉक से हर दिन 7 माइक्रोसेकंड फास्ट चलती हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ये कहती है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, जिसकी वजह से समय बीतने की गति धीमी हो जाती है। अब क्योंकि जिस ऊंचाई पर सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही होती हैं, वहां अर्थ की ग्रेविटी कमजोर होती है, जिसकी वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स में लगी एटॉमिक क्लॉक अर्थ पर रखी क्लॉक से तेज चलने लगती हैं। अर्थ पर रखी क्लॉक के साथ एक समान गति बनाए रखने के लिए जीपीएस सैटेलाइट में लगी एटॉमिक क्लॉक में से हर रोज 7 माइक्रोसेकंड घटा दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम खुद की और अर्थ पर मौजूद जीपीएस सपोर्टेड सिस्टम की पोजीशन को सही कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और रोज कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस एरर की फॉर्म में एक्चुअल डिस्टेंस में ऐड होता चला जाएगा और जीपीएस सिस्टम आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपको जाना ही नहीं।